इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिसाइकल पेपर के बारे में। पेपर तीन चीज़ों से बनता है, उसमें से एक चीज़ है रिसाइकल। रिसाइकल पेपर को जानने के लिए समझिए, हम लोग जो न्यूज़पेपर रद्दी वाले को बेचते हैं या कोई नोटबुक उसको देते हैं, कोई मैगज़ीन उसको देते हैं, या कोई एम्प्टी बॉक्सेस उसको लोग देते हैं, ये सारे बॉक्सेस को वो रद्दी वाला इन पेपर मेकिंग कंपनियों को देता है, जिसको ये रिसाइकल करके दोबारा पेपर बनाते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कलेक्शन और उसकी सॉर्टिंग। इसका मतलब वो लोग हर तरह जगह से रद्दी लेते हैं, फिर उसकी वो लोग सॉर्टिंग करते हैं बेस्ड ऑन क्वालिटी, इसके बेस पे वो अपना प्रोडक्ट बना पाते हैं। सेकंड स्टेप इसमें होता है पल्प मेकिंग, जहाँ पर वो वेस्ट पेपर को और पानी को मिला के, जैसे हम लोग मिक्सी में ग्राइंड करते हैं वैसे इसको वो लोग ग्राइंड करते हैं और पल्प बनाते हैं। पल्प बनाने के बाद पल्प एक तरह का पेस्ट टाइप हो जाता है पानी मिला हुआ, इसमें लगभग 99% पानी रहता है। उसमें फिर ये लोग केमिकल या कुछ और फ्रेश पल्प ऐड करते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। फिर स्टेप फोर में ये लोग इसका पेपर मेकिंग करते हैं। ये दिस इज हाउ रिसाइकल पेपर इज मेड। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनी रिसाइकल पेपर बनाती है, उसमें क्या क्या क्वालिटी आती है और क्वालिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। ये एक चार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं कि पेपर की ब्राइटनेस यानी वो कितनी परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उस पर पेपर की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। वेस्ट पेपर में सबसे मिनिमम ब्राइटनेस जो पेपर की आती है वो आती है 60 ब्राइटनेस, उसके बाद 65, उसके बाद 70, 75, 80, 85। वेस्ट पेपर से इस ब्राइटनेस तक के मटेरियल बन जाते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं पेपर की क्वालिटी इम्प्रूव होती जाती है और उसके प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। अब ये 5 पेपर मिलों का नाम लिखा है जो वेस्ट पेपर बनाती है और हम जिनका माल बेचते हैं कात्यानी पेपर में। इनमें 60 ब्राइटनेस का माल की क्वालिटी को मिल वाले इको बोलते हैं, ऐसे ही 65 ब्राइटनेस वाली माल को लोग गोल्ड बोलते हैं। सिमिलर ब्राइटनेस में किसी और मिल में आए जैसे प्रोलिफिक में, 65 ब्राइटनेस के माल का मतलब होता है सुपर गोल्ड, उनके यहाँ गोल्ड मतलब 60 ब्राइटनेस का माल। तो हम लोग को इस कंपैरिजन में जानना चाहिए, कोई भी क्लाइंट किसी भी मिल के किसी माल के बारे में बात करता है और हमें उससे सब्स्टिट्यूट माल देना है, इस चार्ट से हम जान सकते हैं कि हम उसको कौन सा माल दें। इस चार्ट में ये भी देखा जा सकता है कि फाइबर मैक्स 85 ब्राइटनेस का माल बनाता है, इसीलिए ये 60 ब्राइटनेस का माल बनाता तो है बट बहुत ज़्यादा बाजार में बेचता नहीं, ये 65 का माल ही बनाता तो है बट बहुत ज़्यादा बाजार में देता नहीं, इसलिए इसके ये दोनों माल जनरली अवेलेबल नहीं होते। लास्ट में देखिए बनवारी पेपर में जो है इसमें 65 के आगे में सुपर प्रिंट लिखा है, ब्रैकेट में 66 और 67 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका माल की ब्राइटनेस जनरली दूसरों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह इसका क्लासिक गोल्ड 70 की जगह 72 ब्राइटनेस का आता है, थोड़ा ब्राइटनेस इम्प्रूव होती रहती है, इसके प्राइजेस भी उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो कस्टमर के पास चॉइस रहती है और हम इस क्वालिटी के हिसाब से उसको माल बता सकते हैं। ब्राइटनेस ही मेजर फैक्टर रहता है रिसाइकल के माल को बेचने का।